नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं टॉप न्यूज हरियाणा। हरियाणा की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हरियाणा के किस जिले से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा में जजपा और इनेलो एक होने की तैयारी। अजय बोले, ओपी चौटाला बुलाए तो कल चले जाएंगे। पिछले महीने बीजेपी से टूटा गठबंधन। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक हो सकते हैं, इसके संकेत जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने दिए हैं। अजय चौटाला ने जेजेपी व इनेलो को एक मंच पर आने के सवाल पर कहा कि यह तो ओम प्रकाश चौटाला पर निर्भर करता है, यह बड़ों का काम है, वे पहल करें। कई लोग जेजेपी व इनेलो को एक करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन यह पहल तो ओम प्रकाश चौटाला को करनी है। जब उनसे सवाल किया गया कि अगर ओम प्रकाश चौटाला पहल करेंगे तो क्या वो एक हो सकते हैं, इस पर अजय चौटाला ने कहा कि अगर वे कल बुलाएं तो वे कल चले जाएंगे। जिस दिन अलग हुए थे उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ओपी चौटाला को रीथिंक करेंगे, अगर वे दोबारा विचार करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में चुनाव प्रचार की खर्च लिमिट फिक्स। फाइव स्टार होटलों में नहीं रुक सकेंगे नेता। पगड़ी के साथ समोसा ब्रेड पकौड़ा का भी रेट तय। हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान खर्च होने वाले पैसों को लेकर चुनाव आयोग ने रेट लिस्ट फिक्स कर दी है। आयोग लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए कुल 95 लाख रुपए की राशि खर्च करने की लिमिट पहले ही तय कर चुका है। चूंकि अब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, ऐसे में अब चुनाव में प्रयोग होने वाले टेंट सहित 91 अन्य वस्तुओं के प्रशासन ने रेट तय कर दिए है। चुनावी रण में यदि कपड़े का 60 रुपए प्रति पीस से ज्यादा महंगा कोई झंडा फहराएगा तो उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में प्रचार के दौरान पगड़ी का चलन अधिक है, ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान पगड़ी पहनने के लिए 270 रुपए का हिसाब देना होगा। लंच से लेकर डिनर तक का ये है रेट लिस्ट। दूध पत्ती 20 रुपए, समोसा 17 रुपए, ब्रेड पकौड़ा 17 रुपए, चाय 10 रुपए, कॉफी 25 रुपए, गुलाब जामुन 210 रुपए प्रति किलो, लंच डिनर प्लेट 100 रुपए, जूस 30 रुपए प्रति 250 ग्राम, कोल्ड ड्रिंक प्रिंट रेट और वाटर कैंपर 30 रुपए प्रति नग होगा। दुष्यंत चौटाला के विरोध पर विधायक मां ने मांगी माफी। नैना चौटाला बोली, बीजेपी से गठबंधन की कीमत चुका रहे हैं, पहले कहा था डरेंगे नहीं दबेंगे नहीं। हरियाणा में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले किसानों से उनकी विधायक मां नैना चौटाला ने माफी मांगी है। नैना चौटाला ने भाजपा पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि चने के साथ घुन पिस रहा है। दुष्यंत न कृषि मंत्री था और न केंद्र में मिनिस्टर, उसके पास हर चीज को रोकने की पावर नहीं थी, इसलिए किसान उसका विरोध न करें। दुष्यंत चौटाला का हिसार में 2 जगहों पर बड़ा विरोध हुआ था, जिसके बाद उन्हें पैदल तक जाने को मजबूर किया गया, जिसके बाद जजपा अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। अमेरिका समेत 3 देशों में दिन में हुई रात। सूर्य ग्रहण देखने यूएस पहुंचे 50 लाख लोग। 4000 जोड़ों ने रचाई शादी। मेक्सिको में सोमवार सुबह 11 बजते ही भारतीय समय अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे अंधेरा छा गया। ऐसा साल के पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण की वजह से हुआ। मेक्सिको के साथ साथ इसे अमेरिका और कनाडा में भी देखा गया। यहां ग्रहण के रास्ते में पड़ने वाले राज्यों में करीब 4 मिनट 28 सेकंड तक दिन में अंधेरा रहा। वहीं 54 देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण लगा। सोमवार को लगे सूर्य ग्रहण का भारत में कोई असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ग्रहण जब शुरू हुआ उस वक्त यहां रात थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि अब अमेरिका में अगले 21 सालों तक ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। रेवाड़ी में 8 सरकारी बसों की बैटरी चोरी। दिल्ली जयपुर हाईवे बस स्टैंड पर हुई वारदात, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज की 8 बसों की बैटरी चोरी हो गई। लाखों रुपए कीमत की 16 बैटरी चोरी होने के बाद विभाग ने पुलिस को सूचित किया। रात के वक्त चौकीदार बस स्टैंड पर ही ड्यूटी पर था। पुलिस चौकीदार से भी पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार NH 48 पर बनीपुर चौक स्थित IMT बावल बस स्टैंड बना हुआ है। बस स्टैंड परिसर में रात के वक्त चालकों को परीक्षण देने में यूज होने वाली रेवाड़ी डिपो की 7 बसें और फरीदाबाद डिपो की 1 बस खड़ी हुई थी। इन बसों में लगी 2-2 बैटरियां मंगलवार की सुबह गायब मिली। हरियाणा में जेजेपी को एक और झटका। MLA ने इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने भी लिखित रिजाइन भेजा। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद बगावत। लोकसभा चुनाव के बीच जननायक जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। बरवाड़ा से जजपा के विधायक जोगीराम सियाग ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का लेटर भी वायरल हो रहा है।
सियाग ने कहा है कि मैंने केवल पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया है, अभी मैं पार्टी में ही हूँ, भविष्य का कुछ और पता नहीं। उनकी नई पार्टी ज्वाइन करने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि वे कांग्रेस में भी जा सकते हैं, हालांकि उनके भाजपा ज्वाइन करने की भी चर्चा है। सियाग पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी रहे हैं। उन दोनों के मुलाकात की एक पुरानी तस्वीर भी वायरल हो रही है। 2019 में टिकट न मिलने से नाराज होकर जोगीराम सियाग ने भाजपा छोड़कर जसपा में शामिल हो गए थे। अजय चौटाला बोले, कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। जसपा नेता ने कहा, बीजेपी के लिए सहयोगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते ही लात मार देते हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के बीच भगदड़ मची है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक तक पार्टी छोड़ रहे हैं। इस बीच मंगलवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान आया। उन्होंने भिवानी में कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन नेता आ रहा है और कौन जा रहा है। अजय चौटाला ने कहा कि जब हमें पार्टी से निकाला गया तब हमने जीरो से शुरुआत की और बीए क्लास तक पहुंचे। हमने स्लेट पर थूक कर लिखना शुरू किया, बाद में सत्ता की दहलीज तक पहुंचे। उन्होंने किसानों के विरोध पर भी सफाई दी। प्रदेश महिला सचिव ममता कटारिया ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसके अलावा भाजपा जसपा गठबंधन के संयोजक रहे कप्तान मीनू बेनीवाल, ओम सिंह खोखरी, प्रदेश सचिव राजपाल राठी भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा ने भी पार्टी छोड़ दी है। अभय चौटाला का भाई अजय पर हमला, बोले परिवार का असली चेहरा हुआ बेनकाब, ये इनेलो के गद्दार पार्टी में जगह नहीं होगी। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला द्वारा सोमवार को मीडिया में इनेलो और जेजेपी को एक करने के बयान दिए थे, जिन बयानों पर इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अजय सिंह और उनके पूरे परिवार का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है, अब उनको इनेलो में कोई जगह नहीं मिलेगी। हरियाणा में मलाइका अरोड़ा के कार्यक्रम आयोजकों पर FIR, रोहतक पहुंची थी बॉलीवुड अभिनेत्री, पुलिस ने कहा बिना परमिशन कार्यक्रम किया, रोड जाम किया। हरियाणा के रोहतक में बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के कार्यक्रम के संचालकों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। मलाइका अरोड़ा 7 अप्रैल को एक शोरूम का उद्घाटन करने पहुंची थी, जिसके कारण रोड जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं बिना अनुमति कार्यक्रम का टेंट लगाया गया था। इसके बाद सिविल लाइन थाना में यह कार्रवाई की गई। हरियाणा में 10-15 साल पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर सख्ती, करनाल से आगे पानीपत में जब्त करेगी पुलिस, नेशनल हाईवे पर टीमें तैनात होगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के वाहन चालकों के लिए पानीपत पुलिस विशेष सख्ती अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इन 5 राज्यों के वाहन मालिक अब हरियाणा में पानीपत से आगे अपने वाहनों को नहीं ले जा सकेंगे। पानीपत जिले में पेट्रोल से चलने वाले 15 साल और डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए पुलिस योजना तैयार कर रही है। SP ने यातायात पुलिस को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें GT रोड पर बाबरपुर, शिवा व समालका के पास तैनात रहेंगी।